मॉर्निंग चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। कल हम प्रीवियस क्लास में क्या सीखे थे? हिंदी का वर्णमाला सीखे थे। हिंदी वर्णमाला में स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर सीखे थे। स्वराक्षर कितने हैं? 13 स्वराक्षर, बाकी व्यंजनाक्षर। स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर अलग अलग सीखे थे। जैसे वर्णमाला सीखने के बाद और आगे जाने के लिए हम पढ़ने के लिए शब्द रचना करने के लिए वर्णमाला नहीं, वर्णमाला के साथ भाराखड़ी होना चाहिए। अब वर्णमाला सीखने के बाद हम भाराखड़ी कैसे सीखेंगे? ये वर्णमाला के स्वराक्षर के आधार पर हम भाराखड़ी सीखेंगे। स्वराक्षर के स्वर चिन्ह स्वर की मात्राएं रहते हैं। ये मात्राएं क्या होते हैं? मात्राएं के साथ ही भाराखड़ी सीखना आता है। भाराखड़ी सीखने के लिए हमें आवश्यक होना चाहिए उनकी मात्राएं, स्वरों की मात्राएं होना चाहिए। ये मात्रा कैसे लिखे जा, कैसे सीखना, कैसे लिखना, यह आप आज हम आपको बताएंगे। देखो, पहला अक्षर का अ का कोई भी मात्रा नहीं होता। अ अक्षर का कोई भी मात्रा नहीं होता। आ अक्षर का मात्रा है जैसा, एक लगे ऊपर। ई की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, रो ए आई ओ औ अम आहा। देखियो, 13 स्वराक्षर है, 13 क्या मात्राया नहीं होता, 12 मात्राया होता है। ये देखो, ये मात्राया व्यंजन के साथ मिलकर क्या होता, भाराखड़ी रचन होता है। ये भाराखड़ी के सहायता से हम शब्दों का रचना, वाक्यों का रचना और भाषा का रचना भी कर सकते हैं। हम सुललित बात करने के लिए भाराखड़ी हमको अवश्य होना चाहिए। ये ज्ञान ना होने पर हमको पढ़ने नहीं आ सकता, बातचीत करने को नहीं आ सकता। लेको देखो, अब हम इसके साथ एक शब्द रचन करेंगे। आका कोई भी मात्रा नहीं होता, मात्रा नहीं होता का आधा। देखो, व्यंजन के साथ ये स्वर मात्रा मिलकर क्या होता, का होता। ये का का ये वर्ण है कमल। देखो शब्द रचना, कोई भी मात्रा नहीं होता। देखो आ का मात्रा है, अब देखो ऐसा आ का मात्रा, ये व्यंजन अक्षर ख इसके साथ ये मिलकर का, ये शब्द एक रचना करेंगे कान। देखो अब ई का मात्रा, ई का मात्रा होता ऐसा, ये व्यंजन आधा, व्यंजन का ई को ई का मात्रा लिखकर क्या होता, की। ये क्या होता, किताब। देखो पहला अक्षर का ध्यान दो, एक बार दोहराओ मेरे साथ, कमल का की किताब। ई का मात्रा देखो ऐसा, का आधा, अक्षर व्यंजन अक्षर आधा, ये स्वराक्षर स्वर की मात्रा की, कीड़ा। देखो देखो ऊ का मात्रा है जैसा, ऊ का मात्रा व्यंजन अक्षर का आधा, ऊ का मात्रा ऊ बन गया कुसुम, कुसुम। ऊ का मात्रा एक ऐसा, आधा व्यंजन अक्षर के साथ मात्रा, मात्रा के साथ बन गया कू, कूली। देखो और रू का मात्रा,
ऐसा है अक्षर आधा सात मात्रा बन गया क्रू कृपा देखो और एक मात्रा ए मात्रा व्यंजन अक्षर आधा मात्रा के साथ खे बन गया खेला और ऐ के मात्रा देखो बन आधा अक्षर प्लस ऐ के मात्रा देखो कैदी और नेक्स्ट आई के बाद क्या हुआ ओ का मात्रा बन गया आधा था व्यंजन आधा अक्षर मात्रा बन गया खो कोविड ओके मात्रा मात्रा का व्यंजन आधा ओके मात्रा मिलकर कौ कौशल कौशल्या कौशल कुशल कौशल लिखेंगे अंके मात्रा देखो अंके मात्रा का अध्यक्ष मात्रा कम कम्स आहा मात्रा का आधा आके मात्रा कहा नमः देखो ये पढ़ने के लिए सुविधा होता है और शब्द रचना के लिए भी सुविधा वाक्य रचना करने के लिए भी सुविधा होता है देखो क सभी व्यंजन अक्षर के साथ ये स्वराक्षर के मात्रा मिलकर अपना बारहवा गुणिताक्षर कन्नड़ में गुणिताक्षर कहते हैं हिंदी में बारह कड़ी कहते हैं अपना मिलते हैं ये इसके साथ ही हमना पढ़ने के लिए सुविधा होता है एक बार और ख आधा कोई भी मात्रा नहीं कमल आ के मात्रा व्यंजन अक्षर आधा मात्रा के साथ कार ई के मात्रा के साथ की किताब ई के मात्रा के साथ की कीड़ा ओ के मात्रा के साथ कुसुम ओ के मात्रा के साथ कुली रू के मात्रा के साथ कृपा ए के मात्रा के साथ के खेला आई के मात्रा के साथ कई कैदी ओ के मात्रा के साथ कोवी औ के मात्रा के साथ कौ कौशल अम के मात्रा के साथ कम कम्स अह के साथ नमः आपको आगे का विचार नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे अभी इतना ही बस अब इतना ही आप मुझे पढ़कर दोहराकर मुझे वॉइस रिकॉर्ड में मुझे सेंड करो ओके थैंक यू